बच्चे शुरू से ही डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर चल रहे हैं सर, तो उनको किस टाइप का पढ़ाई करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कीजिए उनको। भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से आज डॉक्टर हूँ मैं। दसवीं तक अगर जो बच्चा दसवीं के नीचे है तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप टेंथ से नियरेस्ट जो भी लोग, क्योंकि आप भी आज एक MBBS डॉक्टर हैं सर, सर आपने कितना ज्यादा मेहनत किया था सर इस पोस्ट को पाने के? वहाँ जो होता है ना, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाते, वहाँ थ्योरेटिकल रहता है, उनको पेशेंट नहीं दिखाया जाता, उनको डमी दिखाया जाता है। मैं रवि तिवारी, कई तरह के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हम आज शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। चूंकि हमारे क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे भी हैं, कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है और कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, तमाम मुद्दों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर इंद्रजितेंद्र भारद्वाज सर से बातचीत करेंगे और डॉक्टर साहब की पोस्टिंग इस समय देवभूख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। और डॉक्टर साहब टिप्स बताएंगे कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई छात्र छात्राएं डॉक्टरी का सपना लेकर, यदि डॉक्टर बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है तो उन्हें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और उनकी पढ़ाई का अब बेसिक क्या होना चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर वोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर पहला सवाल, चूंकि देवभोग छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर में बसा क्षेत्र है सर, और यहाँ से उड़ीसा 3-4-5 किलोमीटर लग जाता है, यहाँ पे अभी भी जो संसाधन होना चाहिए संसाधनों की कमी है, लेकिन यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट है सर, और कई बच्चे कई बार है सर डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आगे बढ़ते हैं, तो जो बच्चे शुरू से ही डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर चल रहे हैं सर, तो उनको किस टाइप का पढ़ाई करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कीजिए उनको। देखिए अभी जो MBBS के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो टोटल CBSE पैटर्न में होगा। नीट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं जिसको, उसके लिए आपको CBSE जो कोर्स होते हैं जिसमें मेनली जो है NCERT होती है, NCERT एक बुक है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक है, तो वो आपको सबसे पहले उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से आते हैं। और ड्रॉबैक ये है कि जो स्टेट बोर्ड की जो पढ़ाई है, जो आपका स्टेट बोर्ड की जो सिलेबस है उसमें और CBSE के सिलेबस में बहुत डिफरेंस रहता है। इसी वजह से जो स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको जब वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये जो भावी जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये सलाह देने की कोशिश करूंगा कि ठीक है आप अपने सिलेबस जो स्टेट बोर्ड के हैं उसको तो करिए ही, उसके साथ साथ आपको NCERT को आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपके NCERT से आते हैं। मोर देन 80% या 90% भी बोलोगे तो गलत नहीं है, वो NCERT से ही आता है जी। ठीक है, तो क्या है आपको सबसे पहली बात, तो अगर आप जैसे बचपन से जिसका सपना रहता है, जिनके माँ बाप का कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो उनको मैं ये सलाह दूंगा कि वो CBSE स्कूल में भर्ती करें, क्योंकि CBSE स्कूल का बेस बहुत, जो उनका फाउंडेशन रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। और अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो कोई भी हायर एग्ज़ाम फाइट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की जो ज़रूरत हो, क्योंकि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप फाइट करना चाहते हो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, थ्योरी नहीं रहेगा उसमें, ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता, तो आपका बेस क्लियर रहेगा तभी। तो मैं पेरेंट्स को, पालक लोग को ये सलाह दूंगा कि आप CBSE स्कूल में भर्ती किए। अगर जैसे मान लो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल अगर प्रॉब्लम है कि पैसे का, तो आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो आप NCERT की बहुत सस्ती मिलती है, 110-90 रुपया 100 रुपये के रेंज में रहती है बुक, उसको आप खरीद के उसको अलग से पैरेलल पढ़ाएं, ताकि वो आपको जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब वो आपको काम देगा। अच्छा, ये तो हो गए दसवीं तक की बात। दसवीं तक अगर जो बच्चा दसवीं के नीचे है तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप टेंथ से नियरेस्ट जो भी लोकल कोचिंग है या फिर जो ब्लॉक लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो नीट की जो कोचिंग कराते हैं उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग बहुत ज़रूरी है। कोचिंग के बगैर अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको प्रॉब्लम भी होगा और चांसेस भी सिलेक्शन होने के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीटें बहुत कम,
छत्तीसगढ़ में तो कम ही है, अब ये ऑल इंडिया लेवल का पेपर है तो दो रैंक बनेंगे आपका, ऑल इंडिया रैंक भी बनेगा और स्टेट रैंक भी बनेगा। तो ऑल इंडिया लेवल में के जो विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसे ही 15% कट ऑफ हो गया ऑल इंडिया कोटा से। अब बचा 85%, तो 85% में भी डिवाइड है SC ST OBC जनरल, फिर 10% EWS में। तो कंपटीशन ऐसा है, थ्रोट कट वाला मतलब गला काटने वाली स्थिति है, इतना कंपटीशन है। मतलब 1000 बच्चों में एक बच्चा का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आज अगर आप शुरू से तैयारी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम, अगर आप 11th में हैं, आपको डॉक्टर बनना है, बायो लीजिए, बायो ले लिए, लेकिन क्या होता है बायो लेने के बाद आप 11th 12th पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे, ऐसा मेरे क्या बेस क्लियर नहीं होता। आपको 11th से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और जो बच्चे 12th के क्रॉस हो गए हैं, अब वो जो है कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको जैसे कई जगह होती है कि जैसा हमारे यहाँ भिलाई में अच्छी कोचिंग सेंटर हैं, या फिर अगर आप पैसे से प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोटा भेज सकते हैं, लेकिन आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। जहाँ भी आप कोई भी कोचिंग सेंटर जाएंगे तो वो NCERT ही पढ़ाएंगे। तो क्यों ना हम पहले से NCERT पढ़ लें, घर से ही NCERT पढ़े रहें। जब अगर 2 साल पहले से आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ रिविज़न होगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। होता क्या है, हम सिलेबस दूसरा पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में दूसरा आता है, मिसमैच यहीं हो जाती है। स्टेट बोर्ड का विद्यार्थी इसीलिए नीट का एग्ज़ाम निकालने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा और जो एग्ज़ाम में आएगा वो पढ़ा नहीं है। इसलिए जो है शुरू से मैं बोलता हूँ, अभी मेरे भी अगर जो मेरे परिवार में जो अभी बच्चे बढ़ रहे हैं जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि NCERT को प्रेफरेंस दें, और हो सके तो अगर आप पैसे से हैं तो 11th से आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपका 11th 12th का परसेंटेज काम नहीं आता। अगर आप 50% बस चाहिए आपको, अगर आपका 95% भी है और आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप 60% में हो और इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने NCERT पर फोकस किया। मेन आपका NCERT होना चाहिए, अदर देन कोई भी रेफरेंस बुक, बड़ी बड़ी बुकें आती है 5-5 किलो 10-10 किलो को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको NCERT पढ़नी है। NCERT के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, NCERT से ही पूछा जाता है क्वेश्चन नीट में, ये 100% श्योर है। इसीलिए NCERT को अगर आप प्रेफरेंस पहले दोगे, और आजकल जो हमारे प्राध्यापक लोग हैं वो NCERT को आजकल पढ़ाना चालू कर चुके हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा विद्यार्थियों से कि NCERT पे फोकस करें और कोचिंग जाने का कोशिश करें। 11th में है आप, 11th से कोचिंग जाना, 11th 12th हो गया आपका, 2 साल आपका जो है यूजेस हो गया, भाई वो टाइम वेस्ट होता है 2 साल, उससे अच्छा वो यूज़ हो गया। फिर आपने 1 साल भी ड्रॉप लिया तो सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुतों का नहीं होता, ये लोगों में जो भ्रांति है वो गलत है। हमको प्रॉब्लम यह होता है कि हम उसको पहले से लेकर डर जाते हैं। आप शुरू से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन होना कन्फर्म है। सर एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी आज एक MBBS डॉक्टर हैं सर, सर आपने कितना ज्यादा मेहनत किया था सर इस पोस्ट को पाने के लिए, और बचपन से आपने क्या एम बनाकर चले थे सर, आपकी मेरे को क्या बनना है करके, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। देखिए मैं इसलिए ये बात को फोकस किया क्योंकि मैं भी स्टेट बोर्ड से, मुझे भी जब हम 12th में मेरा 86% था, लेकिन जब हम कोचिंग गए तो वहाँ जब पता चला कि वहाँ हम जो पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, तो उसके बाद मुझे 3 साल ड्रॉप लेना पड़ गया। मतलब 11th के बाद मैंने 3 साल ड्रॉप लिया, ड्रॉप मतलब पेपर की तैयारी किया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ मेरा 2011 से, मैं 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 3-4 साल में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये जो मैं अपने पर्सनल लाइफ से जो एक्सपीरियंस किया हूँ कि मैं स्टेट बोर्ड वाला हूँ और मैंने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में नहीं आता, वहाँ भी जब आप कोचिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप जो पढ़े हैं उसको भूल जाइए, आपको पढ़ना NCERT और NCERT से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस जिले, और ये मैं स्टेट बोर्ड वाले, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, और एक समय तो ऐसा था कि शायद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी एक कसमोकस में थे, लेकिन भगवान की दया से, माता रानी कृपा से आज डॉक्टर हूँ मैं। और लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ा, मतलब ऐसा है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 5-6 आवर कोचिंग छोड़ के,
कोचिंग में जो क्लासेस होते हैं उसको छोड़ के आपको 5 से 6 घंटा रोजाना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको डबल मेहनत करना पड़े। सीबीएसई वाले तो वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आए, जैसे केपीएस डीपीएस हमारे यहाँ बिलाई में, केपीएस डीपीएस एमजीएम है, ये सीबीएसई कोर्स वाले, इनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता एंट्रेंस एग्जाम। और हमारी जो फाइट है उन्हीं से, आप स्टेट बोर्ड से, आप सरकारी स्कूल से पढ़ के। सर आपने कहाँ पढ़ाई किया था सर, स्टेट बोर्ड की? मैं स्टेट बोर्ड वाला था, मेरा पढ़ाई मानसौर विद्यालय से हुआ, हिंदी मीडियम से हुआ और स्टेट बोर्ड। कितनी कितना ज्यादा चुनौती रहा आपके लिए? बहुत ज्यादा। नीट का एग्जाम आपने कितने अंकों के साथ निकाला था सर? मेरा छत्तीसगढ़ में नंबर तो याद नहीं है, 63 रैंक था। 63 रैंक था, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था और चौथे साल में सिलेक्शन। चौथे साल में। हाँ। सर ये आखिर इतना लंबा समय क्यों लग गया सर आपको सिलेक्शन होने में? वही तो बताया ना, हमने जो पढ़ा था, जो 11-12 में पढ़ा था वो हमारे काम नहीं है। हम जब कोचिंग गए तो वहाँ जो पढ़ाया गया उसको पहले तो समझने में टाइम लगा, फिर उसको ग्रहण करने में टाइम लगा, अब उसके बाद फिर कॉम्पिटिशन भी है, तो वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्यों? कारण ये था कि हमारा बेस क्लियर नहीं था। जो मैं फाउंडेशन बेस की बात किया, हमारा ड्रॉबैक यही था कि हमारा बेस ही क्लियर नहीं था। हमको ये जो स्टेट बोर्ड में हमको रटाया जाता है और सीबीएसई में जो इंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ कॉन्सेप्चुअल आता है, आपको थ्योरी नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको 4 डाटा दे दिया जाएगा, आंसर निकाल के बताओ। वो ये नहीं बोलेगा कि पूरा पूरा थ्योरी लिखो पन्ने भर, तो हमने हम वहाँ फेलियर हो जाते हैं। सर सीजी बोर्ड का बच्चा यदि तैयारी करता है तो आपने जैसा कहा कि कोई चीज असंभव नहीं है, असंभव तो सीजी बोर्ड के छात्रों को कहाँ से अपना मेहनत शुरू करना चाहिए सर? वो अगर मेहनत तो उसको 9 से करना चालू करना चाहिए। 9 से एनसीईआरटी स्टडी चालू हो जाती है, क्योंकि 9 से साइंस चालू हो जाता है। तो 9 से अगर आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, 9, 10, 11, 12 अगर आप सीबीएसई को फॉलो अप करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा आपको 4 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको। वो आप 12th पढ़ोगे और आपके हाथ में एमबीबीएस की एग्जाम, मतलब क्लियर रहेगा आपको। सर ये थोड़ा सा ये डिटेल में भी जानना चाहूंगा मैं, कितने साल की डिग्री रहती है डिग्री का? सर मेरा सवाल एक मिनट, कितने साल की डिग्री रहती है, फिर डिग्री खत्म होने के बाद सर फिर आप लोगों को कितना सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद सर फिर कितना साल के प्रैक्टिस के बाद आप लोगों की पोस्टिंग होती है, इसका थोड़ा सा विस्तार बताइए सर। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप एडमिशन के बाद 4.5 मतलब 4.5 साल का आपका जो है पढ़ाई रहेगी, उसके बाद जिस कॉलेज में आप पढ़ाई किए हो उस कॉलेज में 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा, मतलब ट्रेनिंग रहेगी, उस मतलब टोटल जो हो गया 5.5 साल हो गया। हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और साल में एक एग्ज़ाम होता है। तो हमारा क्या ईयरली एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर वाइज में ईयरली एग्ज़ाम होता है, लेकिन अब जो ये जो मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ ये चेंज हो गया। अब जो हो गया है एनएमसी बिल जब से 2024 मतलब 2019 में पास हुआ और 2024 के बाद जो अब एडमिशन लेंगे बच्चे, उनमें प्रॉब्लम ये रहेगा, उनको इंट्रेंस एग्जाम भी दिलाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस के करेंगे, फिर एक एग्जिट एग्जाम दिलाना पड़ेगा, उसमें पास होने के बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर करेंगे, फिर एग्जिट एग्जाम दिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटर्नशिप और जॉब करने के लायक रहेंगे। तो आपको अब जो है अब बहुत हार्ड हो गया, हमारे समय में एक बार एंट्री सीधा मामला, लेकिन अब जो हो गया है वो एग्जिट एग्जाम और नेक्स्ट के एग्जाम जब से चालू हुआ एग्जिट एग्जाम, तो 2024 के बाद जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, मतलब जिनका एग्जाम जब वो 2029 में पास होंगे या 28 में पास होंगे, उनको एग्जिट एग्जाम दिलाना पड़ेगा, और एग्जिट एग्जाम दिलाने के बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, मतलब आपको प्रैक्टिस की अथॉरिटी होगी। ये एक प्रॉब्लम अभी जो नया नियम अभी जो लागू हुआ है उसके हिसाब से। अच्छा सर, हमने एक चीज और ये भी सुना था कि पढ़ाई खत्म करने के बाद एमसीआई का भी एग्जाम देना पड़ता है सर, इसके विषय में थोड़ा सा जो भी है सर इसके विषय में भी थोड़ा क्लियर आप करेंगे सर। एमसीआई का एग्जाम जो होता है वो एफएमजी होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो जो है ना वो जब आप विदेश से पढ़ मतलब कोई विदेश से पढ़ के आता था, विदेश से पढ़ के आओगे तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एमसीआई का एक जो है एग्जाम निकालना पड़ता है जिसको एफएमजी बोलते हैं। वो एग्जाम निकालने के बाद ही आपको एलिजिबल होगे, इंटर्न करोगे, फिर 1 साल इंटर्न करोगे,
एग्जाम क्लियर होने के बाद एक साल इंटर्न करोगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो जो भी मेडिकल काउंसलिंग है इंडिया की उसको आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आप प्रैक्टिस करो। वो विदेश से जो जैसा आप सुने होंगे यूक्रेन में पढ़ाई किए हैं, रशिया से पढ़ाई किए हैं, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो वहाँ क्या होता है, इसलिए ये एग्ज़ाम लेने का जो प्रॉब्लम जो रूल्स बनाए हैं वहाँ जो होता है ना, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाते, वहाँ थ्योरेटिकल रहता है, उनको पेशेंट नहीं दिखाया जाता, उनको डमी दिखाया जाता है। जैसा हम लोग सेकंड ईयर से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, हम सीधा हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट देखना चालू कर देते, तो हम तीन साल तो हम पेशेंट वैसे ही देख लिए रहते, तो हमारी क्लिनिकल नॉलेज और उनके क्लिनिकल नॉलेज में डिफरेंस बहुत रहता। तो वो सिर्फ एक डिग्री दे दिया जाता है, ये आप MBBS हो गए, बाकी आप, तो वो पता है कि इंडिया वाले को कि वहाँ से जो पढ़ के बच्चा आया वो डॉक्टर नहीं है, तो उनको डॉक्टर है कि नहीं करके पढ़ाने के लिए एक एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसकी तैयारी करेगा तो वो पढ़ेगा और पढ़ के निकालेगा तो एटलीस्ट नॉलेज तो रहेगा, फिर एक साल वो इंटर्न भी करेगा, एक साल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में वो इंटर्न करे, तब जाके वो प्रैक्टिस के लिए आए एलिजिबल होगा। सर आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा सर, कई बार देखने में ये आता है सर कि जो बच्चे होनहार तो रहते हैं सर, लेकिन जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा जैसे उनका परिवार कमजोर रहता है, तो ऐसे बच्चों में एक बात ये आ जाती है कि नहीं मैं तो आर्थिक रूप से कमजोर हूँ या असक्षम हूँ मैं, मेरे पास मतलब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो मैं ये कोर्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे जो बच्चे हैं सर, होनहार जो बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका परिवार कमजोर है, ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी गलत बात है कि डॉक्टरी में बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। सब अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका साल का फीस 55,000 है, मतलब महीने का आपका कितना हुआ, महीने का 2,000 रुपये, 2,000-1,900 रुपये, महीने का लगभग लगभग साल का 55,000 है, साल का 55,000, महीने का लगभग 4,500 के आसपास समथिंग। हाँ ठीक है, 45,000 तो 4,500 तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं है MBBS के लिए महीने का, ये उतना कोई भी मैनेज कर ले, मैनेज कर, अच्छा चलो ठीक है, आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा जी, 55,000 आप फीस दीजिए, 70,000 का आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको जी, तो आप तो फ्री में पढ़ रहे हो जी, बस आपको उस आपको सिर्फ मेहनत करना है। मेडिकल की पढ़ाई महंगी नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई तब महंगी होती है जब आप एग्जाम नहीं निकाल पाते और जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो वहां डोनेशन जो मांगते हैं 70-80 लाख वो महंगी है और उनकी फीस 10 लाख पर ईयर के हिसाब से रहती है जी। तो आप मान के चलो 1-1.5 करोड़ का खर्चा पड़ जाएगा जी, लेकिन आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप एग्जाम, आप होनहार हो, आप एग्जाम फाइट किए हो, तो आप तो फ्री में पढ़ रहे होगे जी, आपको अब बुक भी आजकल नहीं, बुक लाइब्रेरी में बुक मिल जाती है और बुक भी इतने ऐसा रहते हैं कि कहीं सेकंड हैंड भी बुक मिल जाती है, कई सीनियर ऐसे रहते हैं जो दे देते हैं, जैसे मेरी बुक अभी मेरे जो भिलाई में है, मेरे यहाँ जो फोटोग्राफर है, जो हमारे यहाँ पर्सनल फोटोग्राफर है, उनकी बेटी अभी मेरा बुक से पढ़ रही है जी, अभी फर्स्ट ईयर का बुक ले गए थे, अभी वो कोरबा मेडिकल कॉलेज में है, सेकंड ईयर में भी, सेकंड ईयर के लिए फोन की थी मैंने उसको, बुक दे दी, तो बुक का भी इशू नहीं है, स्कॉलरशिप मिलती है, जनरल वाले लोग को नहीं मिलती है, SC ST OBC को तो मिलती है जी, ठीक है, और वो अप्रॉक्स मिल जाती है आपके फीस के अकॉर्डिंग जी, तो पढ़ तो आप फ्री में रहे, हॉस्टल आपको फ्री में मिलेगा, 2,000-2,500 रुपया उससे ज़्यादा खाने का नहीं रहता, तो मान के चलो आपका महीने का 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं है MBBS में। सर एक अंतिम सवाल आपसे ले लेता हूँ, जो बच्चा डॉक्टर बनने का एम लेकर आगे पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, उस बच्चों का आप क्या मैसेज, उन बच्चों का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत कीजिए और लोगों के बोलने पर मत आइए कि ये नहीं होता, बहुत मुश्किल है, लोगों कितने लोग तैयारी करते नहीं, तो उसमें जो विद्यार्थी का मनोबल गिर जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी का मनोबल गिरने की वजह से वो सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं, उनको आप प्रमोट कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए और सिर्फ मेहनत करने दो। और रही बात पैसे की, तो पैसे का मैं बता दिया, कोई महंगा नहीं है MBBS की पढ़ाई, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास हुनर रहना चाहिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके पास मेहनत के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तो ये थे और डॉक्टर इंद्रजीतेन भारद्वाज सर को आप सुन रहे थे। सर का कहना है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, सर का ऐसा कहना है। सर से हमने तमाम सवालों को लेकर बातचीत किया। अब वोकल टीवी का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब ने तमाम बातों पर प्रकाश डाला है। ऐसे में आप बिल्कुल वोकल टीवी पर सर का इंटरव्यू देखिए और जो विद्यार्थी इस तरह की तैयारी करना चाह रहा है उन्हें सर का इंटरव्यू पर जरूर देखना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।